नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्री मैच एनालिसिस में, और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में लगातार जबरदस्त मैचेस खेले जा रहे हैं और अब होने वाला है 33rd मैच, वो भी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। आपको बता दें कि ये जो मैच है ये द गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा 1 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे। तो दोस्तों, अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो न्यूजीलैंड ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 मैचेस में जीत दर्ज की है, तो वहीं एक मैच जो था वो बारिश की वजह से एबेंडन रहा था। तो वहीं अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने भी 3 मैचेस खेले हैं लेकिन एक मैच में इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की थी, तो वहीं एक मुकाबले में हार का सामना भी करना पड़ा था, तो वहीं बारिश की वजह से एक मैच जो है वो रद्द हो गया था। और अब एक बार फिर से ये दोनों टीमें आपस में मैदान पर भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अगर दोनों के हेड टू हेड पर नजर डाली जाए तो टोटल मैचेस दोनों टीम्स के बीच में कुल मिलाकर खेले गए हैं 22, जिसमें से इंग्लैंड की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, जिन्होंने 13 मैचेस में जीत दर्ज की है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं और एक मैच ऐसा रहा है जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो ऐसे में दोस्तों, जो ये मुकाबला होने वाला है ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम जो है वो यहाँ पर ये मुकाबला जरूर जीतना चाहेगी, क्योंकि अगर ये मुकाबला वो हार जाती है तो वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में शामिल रहेंगे, उनके नाम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में रहेंगे जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, दविद मलान, बेन स्टोक्स, मोइन अली, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, मार्क वुड और क्रिस वोक्स। तो दोस्तों, ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि सेमीफाइनल में जगह बनाने की रेस में एक बार फिर से भिड़ते हुए नजर आएंगे न्यूजीलैंड की टीम के साथ। लेकिन इनमें से कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं, अच्छे विकेट अपने नाम कर सकते हैं और अपनी टीम को जीत हासिल कराने में मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले नाम हम शामिल करेंगे दोस्तों दविद मलान का, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 53 रन स्कोर किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे और ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो लास्ट मैच था इंग्लैंड की टीम का, यानी कि 26th मैच जो था वो एबेंडन रहा था विदाउट अ बॉल, यानी कि बारिश की वजह से इनका मैच नहीं हो पाया था। अगला नाम है एलेक्स हेल्स का, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 26 रन बनाए हैं। अगले जो बल्लेबाज हम यहाँ शामिल करेंगे वो रहेंगे मोइन अली, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 32 रन स्कोर किए हैं। तो ये 3 बल्लेबाज जो होंगे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे रन स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं, हालांकि उन्हें 26th मैच में अच्छे रन स्कोर करने का मौका नहीं मिल पाया था, बारिश वहां पर विलन बन गई थी। लेकिन इस मुकाबले में क्या बारिश एक बार फिर से विलन बनेगी या फिर ये जो बल्लेबाज हैं वो अच्छे रन स्कोर करके वो सामने वाली टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं? दोस्तों, गेंदबाजों में यहां हम नाम शामिल करेंगे सबसे पहले सैम करन का, दोस्तों जिन्होंने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है इंग्लैंड की टीम की तरफ से और 2 मैचेस में वो 7 विकेट जो है अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों, यहां पर उम्मीद है कि सैम करन जो है सामने वाली टीम को रन बनाने से रोक सकते हैं और अच्छी गेंदबाजी कर अच्छे विकेट हासिल कर सकते हैं। अगले जो गेंदबाज हैं वो है मार्क वुड, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 5 विकेट्स अपने नाम किए हैं। और आखिरी नाम जो यहाँ हम शामिल करेंगे दोस्तों वो है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, यानी कि लियम लिविंगस्टोन, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 25 रन बनाए हैं। तो वहीं दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए लियम लिविंगस्टोन ने 3 विकेट्स भी अपने नाम किए थे। तो ये तो हो गए भाई इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेंदबाजी जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है इंग्लैंड की टीम की बजाय बल्लेबाजी के, और बल्लेबाजी में उन्हें 26th मैच में अपना कमाल दिखाने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 33rd मैच में क्या कुछ कमाल दिखाते हैं इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज, ये देखना वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, तो भैया न्यूजीलैंड की जो टीम है वो अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती आई है, बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो, सभी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और वो अपने इस शानदार फॉर्म को बरकरार रखना जरूर चाहेंगे। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल रहने वाले हैं वो हैं फिन एलन, डिवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, जेम्स निशम, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, इश सोधी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। लेकिन अभी तक जो 2 मैचेस टीम न्यूजीलैंड ने खेले हैं उसके हिसाब से अगर की प्लेयर्स की बात की जाए कि किन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसमें डिवॉन कॉनवे का नाम हम सबसे पहले शामिल करेंगे, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 93 रन स्कोर किए हैं। अगले जो बल्लेबाज दोस्तों हम शामिल करेंगे वो होंगे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 116 रन बनाए हैं। तो वहीं अगर पिछले मैच की बात की जाए तो दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ 27th मैच जो न्यूजीलैंड की टीम ने खेला था उसमें ग्लेन फिलिप्स ने जो है मात्र
64 बॉल्स में 104 रन्स बनाए थे। तो यानी कि पिछले मैच में उनकी बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही थी और यहाँ पर जो है इंग्लैंड के खिलाफ भी वो अपना बल्ला बखूबी चलाते हुए नजर आने वाले हैं। और अगर गेंदबाजों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम टिम साउदी का नाम शामिल करेंगे जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 4 विकेट अपने नाम किए हैं। अगले जो गेंदबाज है वो है मिचेल सेंटनर जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 5 विकेट चटकाए हैं। और आखिरी नाम यहाँ हम शामिल करेंगे ट्रेंट बोल्ट का जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और 6 विकेट अपने नाम की है। वेल, आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो लास्ट मैच था यानी कि जो 27th मैच था न्यूजीलैंड की टीम का, उसमें ट्रेंट बोल्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया था और उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए थे श्रीलंका के खिलाफ। तो यहाँ पर जो है खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं ट्रेंट बोल्ट इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए कि आखिर ये जो 33rd मैच है उसे कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड की टीम से पीछे नजर आ रही है और ऐसे में अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ पर ये मैच हार जाती है तो सेमीफाइनल के लिए से भी बाहर हो जाएगी, और अगर न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। तो बात आती है कि आखिर यहाँ पर कौन सी वो टीम होगी जो इस मुकाबले की जीत की दावेदार होगी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पर दोनों टीम्स के जो रन्स हैं, जो विकेट्स हैं, तो यहाँ पर वैसे तो 50-50 है कि दोनों टीम्स जो है जीत की दावेदार हो सकती हैं। 50% चांसेस हैं इंग्लैंड की टीम जीत सकती है, तो 50% चांसेस हैं न्यूजीलैंड की टीम के। लेकिन अगर बात की जाए एक टीम की, तो यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड की टीम जीती नजर आ सकती है इस मुकाबले को, जीत की दावेदार बन सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त इंग्लैंड से आगे है। तो ऐसे में जो है न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में जीत सकती है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन आपके हिसाब से इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड कौन सी टीम होगी जो कि इस मुकाबले को जीतेगी? क्या न्यूजीलैंड पीछे रह जाएगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से, या फिर इंग्लैंड की टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।